हेलो वीवर्स तो आज सिखाने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद स्विटेबल नंबर ऑफ क्लासेज ऑफ द फ्लोइंग डेटा ऑफ ट्वेंटी स्टूडेंट मार्क्स ये जो मार्क्स है ये ट्वेंटी स्टूडेंट का गिवेन मार्क्स है इसका फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे क्लास इंटरबल निकालेंगे ठीक है सो so, यहाँ पे क्या लिखेंगे क्लास इंटरवल ठीक है सबसे पहले क्या करेंगे क्लास इंटरवल निकालेंगे क्लास इंटरवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर माइनस या मार्क्स है तो मैक्सिमम नंबर लिख दे या मार्क्स लिख देता हूँ मैं मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स अपन अपन बोले तो ये डिवाइड है बाई यहाँ बाई में आप कितना क्लास बनाना चाहते हैं फाइव क्लास सिक्स क्लास मिनिमम फाइव क्लास आपको करना है मैक्सिमम आप पंद्रह क्लास कर सकते हैं तो यहाँ पे फाइव से डिवाइड कर देता हूँ मिनिमम नंबर से आप फाइव से डिवाइड कर सकते हैं सिक्स से डिवाइड कर सकते हैं सेवन एट नाइन टेन आपका जितना से मन है कर सकते हैं पर मिनिमम पाँच करना है मैक्सिमम पंद्रह से ऊपर नहीं कर सकते हैं याद रखना है ये नंबर ठीक है फाइव टू फिफ्टीन ही रख सकते हैं उसे ज़्यादा और फाइव फाइव पंद्रह से ज़्यादा नहीं रख सकते फाइव से कम नहीं रख सकते हैं इतना आपको ख्याल रखना है ठीक है तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है इसमें यहाँ पे देख लेंगे पहले मैक्सिमम मार्क्स खोजते हैं फोर्टी फाइव फिफ्टी सबसे मैक्सिमम जो मार्क्स है वो सिक्सटी सिक्स है तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे मैक्सिमम जो नंबर है मैक्सिमम नंबर सिक्सटी सिक्स है वही मैंने यहाँ पे सिक्सटी सिक्स लिखा मैक्सिमम मार्क्स माइनस मिनिमम मार्क्स है मिनिमम मार्क्स यहाँ पे देख सकते हैं फोर्टी फाइव है ठीक है फोर्टी फाइव से छोटा नंबर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे फोर्टी फाइव लिख सकता हूँ मैं फोर्टी फाइव डिवाइडेड मैं फ़ाइव कर देता हूँ तो सिक्सटी सिक्स माइनस फोर्टी फाइव बाई फाइव करेंगे तो सिक्सटी सिक्स माइनस फोर्टी फाइव कितना हो जाएगा ट्वेंटी वन बाई फाइव करूँगा तो फाइव सो so, जो नंबर आएगा इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा फोर पॉइंट फाइव ठीक है सो so, यहाँ पे क्या कर सकते हैं क्लास इंटरवल ले सकते हैं आप लोग क्लास इंटरवल जो है फोर पॉइंट फाइव से कम लेंगे तो फोर हम लोग क्लास इंटरवल मान लेते हैं ठीक है थीके? आप थ्री नहीं मान सकते फोर पॉइंट फाइव से फोर ही रखें उसके नज़दीक में फ़ोर आता है फाइव नहीं ले सकते क्योंकि आप फोर पॉइंट फाइव आया हुआ है उसे कम लेंगे तो उसका फ़ोर क्लास इंटरवल ले लेंगे इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे एक टेबल बनाएंगे तो चलिए आपको टेबल बना के दिखाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लिया है आप लोग भी इस तरह का टेबल बना लेंगे ठीक है यहाँ पे क्या लिखना होता है टेबल में एक मार्क्स लिखना होता है यहाँ पे आपका जो दिया होगा यहाँ पे कभी कभी यहाँ पे जो दिया हुआ है ट्वेंटी फाइव स्टूडेंट मार्क्स है यहाँ पे वेट इन एल बी दे सकता है आपको हस्बैंड एज दे सकता है वाइफ एज दे सकता है यहाँ पे जो दिया होगा ठीक है नाम उसी का नाम लिख देंगे ये आपका चेंज होता रहता है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है फ्रीक्वेंसी हमेशा लिखना है क्लास बाउंड्री हमेशा लिखना है मिड पॉइंट हमेशा लिखना है ये जो ये 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 तीनों जो है हमेशा लिखना है किसी तरह का भी क्वेश्चन है सिर्फ ये मार्क्स के प्लेस पे जो क्वेश्चन होगा उसका लिख देना है ठीक है तो मार्क्स देखते हैं हम लोग फिर से सो मिनिमम मार्क्स कितना है हमारा फोर्टी फाइव है ठीक है तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम मार्क्स लिखते हैं यहाँ पे फोर्टी फाइव ठीक है हमारा क्लास इंटरवल कितना है आया हुआ है फोर लिए हुए है ना तो फोर्टी फाइव में फोर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फोर्टी नाइन तो फोर्टी नाइन यहाँ कर देंगे ठीक है तो उनचा फोर्टी नाइन के बाद क्या आता है फिफ्टी फिफ्टी में फोर जोड़ेंगे तो कितना आएगा फिफ्टी फोर ठीक है फिफ्टी फोर के बाद आता है फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव में फोर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा फिफ्टी नाइन उसी तरह से करते चला जाना है फिफ्टी नाइन के बाद सिक्सटी आता है सिक्सटी में फोर जोड़ देंगे तो सिक्सटी फोर हो जाएगा और सिक्सटी फोर के बाद आता है सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव में फोर जोड़ेंगे तो सिक्सटी नाइन आ जाएगा हमको कितना तक ये करना है आपको बता दूँ मिनिमम नंबर हमारा फोर्टी फाइव था और मैक्सिमम नंबर जो था वो सिक्सटी सिक्स था ठीक है तो हम लोग को फोर्टी फाइव से लेके 66 सिक्सटी सिक्स तक ही करना होता है यहाँ पे देख सकते हैं फोर्टी फाइव हमारा मिनिमम नंबर है और सिक्सटी सिक्स हमारे सिक्सटी फाइव और सिक्सटी नाइन के बीच में पड़ जाता है इसलिए हम लोग सिक्सटी नाइन के इंटरवल तक जाएंगे ठीक है सपोज़ यहाँ पर सिक्सटी सिक्स होता सिक्सटी सिक्स ही आ जाता था वहीं पर छोड़ देते ठीक है तो आपका मैक्सिमम कितना है सिक्सटी सिक्स इंटरवल तक जाना है मिनिमम फोर्टी फाइव जाना है फोर्टी फाइव से लेंगे स्टार्ट करेंगे मिनिमम से और उसके बाद क्लास इंटरवल जो है सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी नाइन हो गया सब में चार चार जोड़ना होता है तो सिक्सटी सिक्स भी इसके अंदर ही पड़ जाएगा सो इतने में छोड़ देंगे ठीक है क्योंकि सिक्सटी सिक्स से ऊपर नहीं है सिक्सटी नाइन के अंदर ही पड़ गया ये तो तो मैंने क्या बोला सपोज़ आपका यहाँ पे जो मिनिमम नंबर है वो फोर्टी फाइव होता और यहाँ पे मैक्सिमम नंबर सेवन सेवन जीरो सेवेंटी होता सेवेंटी होता तो यहाँ पे एक और जाता क्या होता सेवेंटी टू सेवेंटी फ़ोर तक जाते और मैक्सिमम नंबर आपका अगर सेवेंटी फ़ाइव होता सपोज़ यहाँ पे मैक्सिमम नंबर सेवेंटी फाइव होता मिनिमम नंबर फोर्टी फाइव भी होता तो हम लोग सेवेंटी फाइव तक जाना पड़ता तो क्या करते सेवेंटी टू सेवेंटी फ़ोर जाते उसके बाद सेवेंटी फाइव टू सेवेंटी नाइन तक जाते ठीक है तो इतना समझ गए होंगे फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फोर्टी फाइव से लेके कर फोर्टी नाइन के बीच में कितना नंबर पड़ता है तो फोर्टी फाइव टू फोर्टी नाइन हम लोग काउंट करेंगे तो फोर्टी फाइव से फोर्टी नाइन कितना एक हो गया और ये आपका फोर्टी नाइन तक जाना है दो हो गया दो पड़ता है नंबर तो यहाँ पर लिख लेंगे फ्रीक्वेंसी में दो ठीक है उसी तरह से फिफ्टी से फिफ्टी फोर के अंदर कितना नंबर पड़ता है फिफ्टी से फिफ्टी फोर तक आपका एक नंबर हो गया दो तीन चार पच छः ये फिफ्टी फोर के अंदर नहीं पड़ता है छः के बाद ये सात सात के बाद ये आ गया आठ आठ के बाद ठीक है अब कितना नंबर आ गया यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और एक नौ नौ नंबर है फिफ्टी से फिफ्टी फोर तक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ एक नए नए नंबर है तो फिफ्टी से फिफ्टी फोर तक नौ नंबर पड़ता है फिफ्टी फाइव टू फिफ्टी नाइन जो है हमारा फिफ्टी फाइव से फिफ्टी नाइन के बीच में कितना नंबर पड़ता है फिफ्टी फाइव से फिफ्टी नाइन के बीच में तो यहाँ पे फिर से देखेंगे फिफ्टी फाइव से फिफ्टी नाइन के बीच में एक दो और तीन ठीक है तीन नंबर पड़ता है फिर से एक बार चेक कर लेंगे वेरीफाई करने के लिए फ़िफ्टी फाइव से फिफ्टी नाइन के बीच में एक नंबर दो नंबर तीन नंबर और ये चार नंबर है ठीक है एक छोटा था चार नंबर यहाँ पे है तो यहाँ पे चार लिख देंगे उसी तरह से सिक्सटी टू सिक्सटी फोर जो है सिक्सटी टू सिक्सटी फोर है कितना नंबर पड़ता है चलिए आइए काउंट करते हैं सिक्सटी से सिक्सटी फोर तक तो सिक्सटी एक हो गया सिक्सटी फोर तक जाना है दो हो गया तीन हो गया चार पाँच छ सात सात नंबर पड़ता है ठीक है अब दूसरा नंबर नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे सिक्सटी टू सिक्सटी फोर में सेवन लिख देंगे उसी तरह सिक्सटी फाइव टू सिक्सटी नाइन कितना पड़ता है चलिए काउंट करते हैं सिक्सटी फाइव से सिक्सटी नाइन में कितना पड़ता है सिक्सटी फाइव से सिक्सटी नाइन में एक नंबर दो नंबर और ये तीन नंबर पड़ता है तो हम लोग यहाँ पर तीन लिख लेंगे ठीक है आपका गलत है या सही चेक करने के लिए क्या होता है इस सबको जोड़ देंगे दो प्लस नौ ग्यारह इलेवन प्लस फोर फिफ्टीन फिफ्टीन प्लस सेवन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू प्लस थ्री ट्वेंटी फाइव था जो हमारा यन है वो कितना आ जाएगा ट्वेंटी फाइव आ जाएगा तो हमारा ये मार्क्स कितना था काउंट कर लेंगे पच्चीस ही था एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस ही है तो हमारा ठीक है बनाया हुआ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ठीक है ठीक है तो क्लास बाउंड्री अब निकालना है क्लास बाउंड्री के लिए आपको बता दूँ क्लास बाउंड्री का एक फार्मूला होता है तो क्लास बाउंड्री के लिए आपको क्या फार्मूला होता है वो देख ले होता है क्लास बाउंड्री ठीक है इज इक्वल टू लोअर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास होता है ठीक है ऑफ फर्स्ट क्लास यहाँ पे लिख सकते हैं ये इसका दोनों का डिवाइडेड टू होता है ये फार्मूला है ठीक है लोअर लिमिट लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास क्या है लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास यहाँ पे देख सकते हैं लोअर लिमिट जो है हमारा सेकेंड क्लास का ये है अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास पे माइनस करना है ठीक है तो फिफ्टी माइनस फोर्टी नाइन हो जाएगा यहाँ पे लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास सेकेंड क्लास ये है फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास ठीक है फिफ्टी है माइनस अपर लिमिट ऑफ अपर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास अर्थात सेकेंड क्लास में छोटा नंबर लेना है अब फर्स्ट क्लास में बड़ा नंबर लेना है तो फोर्टी नाइन बड़ा नंबर है फोर्टी नाइन बाई टू करेंगे तो हमारा वन बाई टू हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव हो जाएगा ठीक है इस तरह से हम लोग जीरो पॉइंट फाइव निकाल लेंगे तो जीरो पॉइंट फाइव क्या होता है आपको बता दूँ ये लोअर लिमिट जो है ये लोअर लिमिट जो है लोअर लिमिट में जीरो पॉइंट फाइव घटाएंगे फोर्टी फाइव में जीरो पॉइंट फाइव घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फोर्टी फोर पॉइंट फाइव फिफ्टी में जीरो पॉइंट फाइव तो कितना जाएगा फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव फिफ्टी फाइव में जीरो पॉइंट फाइव घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव सिक्सटी में ज़ीरो पॉइंट फाइव घटाएंगे तो कितना आ जाएगा फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव सिक्सटी फाइव में ज़ीरो पॉइंट फाइव घटाएंगे तो आ जाएगा सिक्सटी पॉइंट फोर सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव अब क्या करना पड़ता है घटा दिए ज़ीरो पॉइंट फाइव और यहाँ जो जीरो पॉइंट फाइव आया है वो लोअर लिमिट में घटाना होता है अपर लिमिट में जोड़ना होता है तो अब क्या करेंगे अपर लिमिट हमारा फोर्टी नाइन है इसमें जी तो कितना आ जाएगा फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव फिफ्टी फोर में जीरो पॉइंट फाइव जीरो पॉइंट फाइव जोड़ेंगे तो फिफ्टी पॉइंट फाइव आ जाएगा इसमें जीरो पॉइंट फाइव जोड़ेंगे तो फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव आ जाएगा इसमें जीरो पॉइंट फाइव जोड़ेंगे तो सिक्सटी फोर पॉइंट फाइव आ जाएगा इसमें जीरो पॉइंट फाइव जोड़ेंगे तो सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक है हमारा इस तरह से निकल जाएंगा ठीक है फोर्टी फाइव फोर्टी फोर पॉइंट फाइव टू फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव हो गया फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव टू फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव हो गया फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव टू फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव हो गया ठीक है इस तरह से निकाल लेंगे मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे इसको इसको जोड़ देंगे डिवाइडेड टू कर देंगे ठीक है या इसको इसको जोड़ दे डिवाइडेड टू कर दे या इसको इसको जोड़ दे डिवाइडेड टू कर दे तो मिड पॉइंट आ जाएगा तो मैं इसी को चेक कर देता हूँ आपको फोर्टी फाइव प्लस फोर्टी नाइन इज़ इक्वल टू डिवाइडेड टू करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा फोर्टी सेवन आ जाएगा इस तरह से फोर्टी सेवन आ जाएगा इसको इसको जोड़े डिवाइडेड टू करे तो हमारा फिफ्टी टू आ जाएगा इसको इसको जोड़ दे डिवाइडेड टू कर दे तो हमारा फिफ्टी सेवन आ जाएगा इसको इसको जोड़ दे डिवाइडेड टू कर दे तो सिक्सटी टू आ जाएगा इसको इसको जोड़ दे डिवाइडेड टू कर दे तो हमारा सिक्सटी सेवन आ जाएगा इस तरह से, से हमारा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंप्लीट हो जाएगा आपको फुल मार्क्स आ जाएगा ठीक है अगर आपको इसको इसको जोड़ के डिवाइडेड टू करें या इसको इसको जोड़े डिवाइडेड टू करें तो वही बात आएगा आंसर यही आएगा इसको इसको जोड़े डिवाइडेड टू करेंगे तो इतना ही आएगा ठीक है तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आप लोग बना सकते हैं एग्जाम में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करो यार बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में आप लोगों को समझाने में अगर समझेंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करना आप कहाँ से दिख रहे हो इंडिया से नेपाल से पाकिस्तान से ओमान से किधर से देख रहे हो कमेंट भी करना है ठीक है तो चलता हूँ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में अभी के लिए बाय बाय